हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। और आज हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। और पहले तो ये आप लोग कैसे हैं ये बता दीजिए। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी जरूरी है। और आज सुबह जो है बहुत ही मस्त जबरदस्त और झमझमाझम बारिश हुई है ना, अच्छा लगा देखकर। और चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, साथ में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। मतलब आप कहेंगे सर कि आप इस चैप्टर में किसी भी हेडिंग को नहीं कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्टूडेंट क्लियर कर देना चाहते हैं हम आप लोगों को कि एक एक हेडिंग, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज हमको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, है ना। हमें ऐसा नहीं कि केवल क्लास ट्वेल्थ को पास करना है, नहीं, हमें जो है टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए आपके लिए हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा, तभी आप सही ढंग से पढ़ पाएंगे और सही तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए, बिना बकवास किए आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास की पहली हेडिंग है बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता। मतलब समझिए आप, साइंस मतलब एक्सेप्शन, अपवाद, है ना। यानी जहां विज्ञान है तहां अपवाद भी है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट कार्य कर रहे थे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट कार्य कर रहे थे, मेंडल ने जो बताया था वो मैक्सिमम जगह सही हो रहा था, लेकिन कुछ केसेस में गलत भी हो रहा था। मतलब मेंडल ने कहा कि प्रभावी, जब प्रभावी लक्षण को ध्यान में रखकर अप्रभावी लक्षण के जीन के साथ क्रॉस कराएंगे तो प्रभावी लक्षण अप्रभावी जीन को प्रदर्शित नहीं होने देगा, बट कुछ जगह पर ये गलत साबित हो रहा था। कुछ जगह पर ये प्रभावी वाला लक्षण जो है इस अप्रभावी में प्रभावी तो हो रहा था लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो रहा था। इसलिए हम आज की हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता। मतलब कि प्रभावी लक्षण पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है, किस पर? अप्रभावी पे, है ना। इसका मतलब थोड़ा बहुत अप्रभावी भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये हेडिंग बड़े ध्यान से समझिए। बुक में बहुत लंबा लिखा है बट हम आपको बहुत छोटा पढ़ाएंगे और बताएंगे कि किस किस कौन कौन सा इसमें वर्ड है जो आपके कंपटीशन एग्जाम अर्थात नीट एग्जाम में आ सकता है। और आपके बोर्ड के लिए पूरी हेडिंग तो हम समझाने ही जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए आज की क्लास स्टार्ट। क्लास की पहली हेडिंग है बच्चों क्या? अपूर्ण प्रभाविता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इनकंप्लीट फोकस ऑन बोर्ड्स। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, इनकंप्लीट डोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाविता। मतलब समझिए कि मेंडल को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चों ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है, इसलिए मेंडल कभी गलत साबित नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो मैक्सिमम जगह कहते हैं 95% जगह सही है, तो मेंडल कभी गलत नहीं हो सकते। 5% में कमी है तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मेंडल का नियम वहां पर वो कार्य नहीं करता है। ठीक, अब ये किस पर नहीं करता है उसका नाम राइट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। गुलाबास, या इसका दूसरा नाम भी है मिराबिलस जलापा। ठीक है, मिराबिलिस बिलिस है, सॉरी, मिराबिलिस जलापा, जिसे हम फोर क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इसे 4 o'clock के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा एक प्लांट और है जिसका नाम है स्नैप ड्रैगन या एंटी राइनम। ठीक है,
स्नैप ड्रैगन या दूसरा नाम भी है इसका क्या, एंटी लाइन। बच्चों आपके बोर्ड पे जो चार वर्ड लिखे गए हैं ये आपके मेडिकल यानी नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज कंसंट्रेट इन योर क्लास एंड रिमेंबर दिस देन दिस नेम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज क्या है, गुलाबास या मिराबिलिस जलापा, यानी कि गुलाबास भी कह सकते हैं या फिर मिराबिलिस जलापा के नाम से भी जानते हैं, और इसको फोर ओ क्लाक भी कहा जाता है, और कई बार ये नाम पूछा गया है फोर ओ क्लाक किसको कहा जाता है, इन प्लांट में किसको कहा जाता है, चार ऑप्शन दे देगा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम आपसे क्लियर कर देना चाहते हैं फोर ओ क्लाक जो है बच्चों गुलाबास या मिराबिलिस जलापा का ही नाम है, ठीक है। एंड दूसरा है स्नैप ड्रैगन जिसका दूसरा नाम भी है क्या, एंटी लाइनम। इस प्लांट का नाम समझ लीजिए, ये जो पौधे हैं इनमें लाल, इनमें कुछ पौधों में लाल रंग का पुष्प खिलता है और कुछ में सफेद रंग का पुष्प खिलता है, तो चलिए हम आज इनका यफ1 पीढ़ी और यफ2 पीढ़ी को क्रॉस करा लेते हैं। पहले क्रॉस कराते हैं, एक एक पॉइंट को समझाएंगे बच्चों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट और हमसे पढ़ रहे हैं, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यही है कि आपके बुक में लिखा जो है इतना बड़ा सा है और आप देखेंगे तो कहेंगे सर ऐसे कैसे याद हो सकता है, बट हम बहुत ही शॉर्टली पढ़ाएंगे और बहुत ही शॉर्टली समझा देंगे आप लोगों को, और वही है ना कि आप हमारे स्टूडेंट और आपको आए नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे कभी भी, है ना। देखिए यहां पर गुलाबास मिराबिलिस जलापा या फूलगा, इसमें दो तरह की मतलब दोनों जो प्लांट है ये दोनों अलग अलग प्लांट है, ठीक है, दोनों अलग अलग प्लांट है, इसमें भी लाल और सफेद, कुछ पौधे में लाल और कुछ पौधे में सफेद रंग का पुष्प खिलता है, इसमें भी लाल और सफेद रंग का पुष्प खिलता है, तो आपको पता है दोनों में अगर लाल और सफेद रंग का पुष्प खिल रहा है, लाल और सफेद, ठीक है, आपको ये पता है लाल का हम क्या जीन लिखते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर सफेद के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल आर, है ना, मेंडल के अनुसार आसानी से हमें क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम संकरण कराते हैं, कौन सी विधि अपनाते हैं, पुनेट स्क्वायर विधि अपनाते हैं, चलिए अपना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बना दें हम इसको, ठीक, और आपको पता है इधर मेल लिखना है इधर फीमेल, और लिख किधर भी सकते हैं, है ना, आपके अनुसार है कहीं भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लाल पुष्प के जीन को इधर लिख देते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, और स्मॉल जीन को इधर लिख सकते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक, स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसका इसका क्रॉस कराइए क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कराइए कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कराइए कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका कराइए कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी यह कौन सी पीढ़ी है बताइए स्टूडेंट, यफ1 पीढ़ी है, यफ1 जनरेशन है, ये दोनों जनक है ना, किसी को भी मेल फीमेल मान सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपके अनुसार यानी मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए, ये चारों के चारों जो प्लांट हैं, यानी जो चारों प्लांट होंगे सारे के सारे लाल पुष्प पौधे वाले होने चाहिए, क्योंकि प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रभावी लक्षण जो है अप्रभावी जीन पर अप्रभावी जीन को प्रदर्शित नहीं होने दे रहा है ना, ऐसा मेंडल के अनुसार है, बट ये जो अपूर्ण प्रभाविता है बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो ये जो स्मॉल आर वाला जीन यानी सफेद पुष्प वाला जीन भी थोड़ा बहुत क्रियाशील है, कार्य कर रहा है, थोड़ा बहुत क्रियाशील अर्थात कार्य कर रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फिर जो हम समझा रहे हैं आप लोगों को, हमने क्या बोला कि जो ये स्मॉल मेंडल के अनुसार स्मॉल आर वाला कोई काम नहीं कर सकता मेंडल के अनुसार, है ना, बट इन दोनों प्लांट में ऐसा नहीं हो रहा है, इन दोनों प्लांट में कुछ उल्टा हो रहा है, क्या बोला है, ये जो स्मॉल आर वाला है ये भी अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, और कैपिटल आर वाला तो कर ही रहा है क्योंकि डोमिनेंट है ना, और जब ये लाल और ये सफेद जब ये दोनों आप मिलाइए, कभी रंग दोनों आपस में मिलाइए लाल और सफेद को, तो किस रंग कौन सा रंग बन जाएगा बताइए बच्चों, पिंक बन जाएगा, पिंक बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, इसका मतलब बच्चों हुआ ये कि ये जो स्मॉल आर का जीन मतलब सफेद पुष्प वाले पौधे का जीन जो है, कैपिटल आर मतलब कि लाल पुष्प वाले पौधे के साथ थोड़ा बहुत क्रियाशील है, जिसकी वजह से जो यफ1 पीढ़ी के सारे प्लांट जो बने हैं वो कैसे फ्लावर वाले हैं, पिंक फ्लावर वाले। उसके बाद अब चलिए इसका हम यफ2 पीढ़ी क्रॉस कराते हैं, है ना, यफ2 पीढ़ी में क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रूल क्या है, यफ1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है, मतलब इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, ये तो जबरदस्ती किया गया था, है ना,
चिंपी के द्वारा परागकण को लाकर इसके पास रख दिया गया था। हम पहले पढ़ा चुके हैं इस सारी चीजें को, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे यहां पर, बिकॉज लेक्चर लंबा हो जाएगा। बच्चों आप लोग अगर शुरू से पढ़े हैं, अच्छे से याद रखे हैं, तो सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं, यहां पर हम एफ टू पीडी का क्रॉस कराते हैं। चलिए देखो, चलिए इसका क्रॉस करा देते हैं। यहां पर हम मेल मान लेते हैं और यहां पर हम फीमेल, कहीं पर कुछ भी मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो यहां से जीन ले लिया, एक साइड हमने कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा, इस साइड भी हमने कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा, क्योंकि यहीं से उठाए हैं हम, तो वो लिखना तय है। अब बच्चों क्रॉस कराइए, क्या मिलेगा? कैपिटल आर मिला, इसका गुणा कराइए क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका कराइए क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ कराइए स्मॉल आर स्मॉल। यानी जो हमें मिल रहा था पहले भी वो भी मिल रहा है, बट फिनोटाइप चेंज है इसका। फिनोटाइप मतलब जो दिखाई दे रहा है वो चेंज है, जीनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन फिनोटाइप इसका चेंज है। आप देखेंगे यहां पर, ये तो एफ टू पीडी हो गई, एफ टू पीडी है, बट इसका जीनोटाइप निकालिए। आप जीनोटाइप निकालिए ध्यान से, जीनोटाइप निकालिए। चलिए जीनोटाइप हम यहां पर लिख देते हैं, आप निकालिए, बताइए क्या मिला? एक ये दो और एक तीन, मतलब वन टू वन, यही ना मिला। अब हम फिनोटाइप की बात करते हैं। चलिए फिनोटाइप, अब फिनोटाइप भी ध्यान से भी फिलअप करिएगा, ये अपूर्ण प्रभाविता है। कुछ लोग कहेंगे सर 3-1 लिख दीजिए, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा 3-1 लिख देंगे तो। क्यों गलत होगा भी बता रहा है, ध्यान से देखिए। ये तो शुद्ध शुद्ध लाल रंग का पुष्प देगा, सही है, 1 लिख दिया हमने 1। जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, अभी हमने देखा कैपिटल आर स्मॉल आर में स्मॉल आर जो है थोड़ा बहुत अपने आप मतलब क्रियाशील हो रहा है, तो इसलिए सारे के सारे पौधे कैसे हो गए थे, सारे के सारे जो फूल वाले पौधे हैं वो पिंक वाले हो गए थे, यानी सारे के सारे पौधे का फूल पिंक वाला हो गया है फोन पीढ़ी में। तो क्या यहां पर यह प्रदर्शित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना, इसीलिए तो हम अपूर्ण प्रभाविता पढ़ रहे हैं। मतलब कि दो कैसे फूल होंगे, दो पिंक कलर के फूल होंगे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1-2, दो पिंक हो गए और एक सफेद रंग का हुआ, यानी कि यहां पर एक लिख सकते हैं। बच्चों बड़े ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी मेंडल के अनुसार इसको 3-1 होना चाहिए, लेकिन बदल गया। बदल क्यों गया? क्योंकि जब हमने एफ टू पीढ़ी का क्रॉस स्वपरागण कराया और उसको जब खेतों में ले जाकर बोया, तो हमें पता चला कि कुछ पौधे इसमें केवल लाल रंग के पुष्प दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमको पिंक कलर के पुष्प दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमको सफेद रंग के पुष्प दे रहे हैं। इसका मतलब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रभावी जीन है पूर्णतः, प्रभावी जीन पूर्णतः अप्रभावी जीन पर प्रदर्शित, मतलब उस पर उसको दबा नहीं पा रहा कर सकते हैं, ठीक है। यानी अप्रभावी जीन पूर्ण रूप से अप्रभावी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो अपना क्या कर रहा है, अपने जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक। ध्यान से देख लीजिए हेडिंग को, और जो बता रहे हैं उसको लिखना है उसी तरीके से आप लोग। अपूर्ण प्रभाविता ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता जो है गुलाबास मिराबिलिस जलाता या फोर ओक्ला, या फिर लिख सकते हैं यहां पर सेकेंड नेम क्या, स्नैप ड्रैगन या एंडीराइन। इस पौधे पे जब प्रयोग किया गया, इस पौधे पे जब प्रयोग किया गया, तो प्रभावी जीन यानी लाल रंग का पुष्प वाला पौधा और सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे के जीन के साथ जब क्रॉस कराया गया, ध्यान से सुनिएगा हमने क्या बोला, लाल इन पौधे का नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा आप लोग, लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया गया, तो F1 पीढ़ी में हमें जो परिणाम मिला उसमें यह मिला है कि लाल पुष्प वाला पौधा पूर्णतः सफेद पुष्प वाले पौधे पर प्रभावी नहीं है। अर्थात F1 पीढ़ी में हमको सारे के सारे पौधे जो प्राप्त हुए हैं वो गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे के साथ, गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इस हिसाब से हम इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या बताया, ये नाम लिख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे आप लोग, लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया, तो लाल पुष्प वाला पौधा सफेद वाले पुष्प वाले पौधे पर पूर्णतः प्रभावी नहीं हुआ, है ना। अर्थात F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी रंग के पुष्प वाले हुए, और इसे ही क्या कहा गया, अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। क्यों कहा गया बच्चों, समझा भी दिए हैं, क्योंकि
स्मॉल आर यानी सफेद रंग का पुष्प जो है वो भी अपने आप को थोड़ा बहुत प्रदर्शित करना चाह रहा है और कर रहा है, और जिसके कारण इस कैपेला पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है और इसलिए दोनों रंग आपस में मिलकर गुलाबी रंग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और दो जब ये कैपिटल आर पूरी तरीके से इस पर प्रभावी नहीं है तो इसीलिए हम हेडिंग का नाम ही लिखे हैं अपूर्ण प्रभाविता, मतलब प्रभावी जीन पूर्ण रूप से जो है प्रभावी नहीं है, थोड़ा बहुत प्रभावी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जब F2 यानी F1 पीढ़ी का जब हमने 100 बराबर कराया तो हमने जीनोटाइप उसका 1:1 मिला, लेकिन फिनोटाइप भी उसका 1:1 मिला, यानी दोनों मिला हमें 1:1। क्यों मिला बच्चों, बताइए क्यों मिला? क्योंकि क्योंकि इसमें दो पिंक वाले पौधे हैं, मतलब जो पिंक वाले हैं जीन, और एक जो है प्योर रेड है और एक प्योर व्हाइट है। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां पर? नहीं है बच्चों, और ये भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप, अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप पूछता है और आप लोगों को याद रखना है 1:1। ठीक है, 1:1 याद रखना है। और उसके बाद ये पूछा भी जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा 1903 में कार्ल कोरेंस ने किया था। किसने? 1930 में कौन किया था? कार्ल कोरेंस ने किया था। ठीक है, कार्ल कोरेंस ने किया था। इन्होंने बताया कि गुलाबास मिराबिलिस जलापा, जिसको फोरोप्लाक के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक पौधा है स्नैप ड्रैगन और एंडीराइनम, इनमें लाल और सफेद रंग का पुष्प होता है। लाल पुष्प जो होता है पूर्ण रूप से सफेद वाले पर प्रभावी नहीं होता है। ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन हमने आपको बता दिया है ना। लाल पुष्प यानी उन्होंने यानी आप लिखेंगे कार्ल कोरेंस ने बताया कि लाल पुष्प वाला पौधा सफेद पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है और इसलिए ही हम इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। एकदम छोटी सी हेडिंग पढ़ गई और यही आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में ही लिखकर चले जाएगा, जितने भी नंबर का रहेगा मिल जाएगा। आप जो हम पहले डेफिनेशन बताएं उसको भी लिख सकते हैं और जो इसको बताएं उसको भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इसमें छोटा सा? गुलाबास मिराबिलिस जलापा या फोरोप्लाक, और दूसरा पौधा स्नैप ड्रैगन या एंटीडायना। इसकी इसमें जो है सन 1930 में कार्ल कोरेंस ने बताया कि इसमें दो तरह के पुष्प वाले पौधे होते हैं, लाल और सफेद, जिसमें लाल पुष्प वाला पौधा सफेद पुष्प वाले पौधे पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है और इसलिए ही हम इसको अपूर्ण प्रभाविता का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। सही है, चलिए अब अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारी अगली हम जो है आपके बुक की सेकेंड हेडिंग, मतलब उसके बाद की हेडिंग पढ़ेंगे, क्या है? प्रभाविता की संकल्पना तथा संकल्पना का स्पष्टीकरण। ये हेडिंग अब तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी गई है, बट हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये हेडिंग पूछी जा सकती है और आपको पता है कि टॉपर बनना है तो हमको एक भी हेडिंग को छोड़ना नहीं है। और आप इसको समझिए, है ना, बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, इसलिए आपको हम बहुत इजी वे में समझाएंगे, आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझ जाएंगे। हेडिंग का मतलब समझ लीजिए पहले। हेडिंग क्या है? प्रभाविता की संकल्पना का स्पष्टीकरण, मतलब कोई जीन प्रभावी क्यों होता है ना, इसको स्पष्ट करना है। इस हेडिंग में इसको ही स्पष्ट करना है। और कोई जीन अप्रभावी कैसे हो जाता है, मतलब समझिए इस हेडिंग में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कोई जीन प्रभावी कैसे हो जाता है और कोई जीन अप्रभावी कैसे हो जाता है, इसके कारण क्या है, चलिए बताते हैं हम आपको। जैसे सपोज दैट कि हमारे शरीर में जैसे लंबाई का जीन है ना, हमारे शरीर में कोई लंबाई का जीन है, और जब लंबाई का जीन है और इन द केस कभी म्यूटाजेन के कारण, म्यूटाजेन आगे हम पढ़ेंगे चिंता मत करिए, बट अभी थोड़ा सुन लीजिए आप लोग, यानी किसी कारणवश हमारे जीन के कोडॉन में कहीं परिवर्तन आ गया। अब एक सर कोडॉन क्या है, सर एक कोड क्या है बच्चों, ये कनेक्शन इसका सेकेंड चैप्टर से, इसके बाद के चैप्टर से है, प्लीज आप यहां पर बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जब हम वहां पर बताएंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, हमने क्या बताया कि हमारे शरीर में हर एक लक्षण के लिए जीन होता है, आपको पता है इतना। अब जैसे सपोज दैट कि हमारे अंदर लंबाई का जीन है इसलिए हम लंबे हैं, और इन द केस हमारे उस लंबाई के जीन में, हमारी उस लंबाई के जीन में कभी कोई परिवर्तन हो जाए, उसमें जो कोडॉन है उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो जीन एक एंजाइम बना रहा है और वो एंजाइम कोई काम कर रहा है, और सपोज दैट कि वो एंजाइम जो है बहुत ही कम निकलने लगे, यानी परिवर्तन के बाद एंजाइम बहुत ही कम बने, परिवर्तन के बाद बहुत ही कम एंजाइम बने या एंजाइम न बने, ऐसी स्थिति में क्या जो लंबाई वाला जीन है क्या वो प्रदर्शित हो पाएगा? आप कहेंगे सर जी पता नहीं क्या बता रहे, हमको नहीं समझ में आ रहा। बच्चों हम समझा रहे हैं आप लोगों को, और आपको समझ में ना आया ऐसा हम होने नहीं देंगे, है ना। चलिए देखो यहां पर,
प्रभाविता की संकल्पना का स्पष्टीकरण में हमने क्या बताया कि हमारे हर एक लक्षण के लिए जीन होता है, आपको इतना पता है और सभी लोग जानते हैं, हर एक लक्षण के लिए, चाहे हम हंस रहे हैं उसके लिए भी एक जीन है, हम लंबे हैं इसलिए जीन है, हम गोरे होंगे तो इसलिए एक जीन है, हम काले होंगे तो इसलिए एक जीन है, है ना। हमारे शरीर के हर एक लक्षण के लिए एक जीन होता है और हर एक लक्षण के लिए अगर एक जीन है तो वो जीन कभी भी बदल सकता है, किसके कारण, म्यूटाजन के कारण, है ना। जीन में अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो जीन है और उसका अलील भी होता है, आपको ये भी पता है ना। चलिए देखते हैं, सपोज दैट कि हमारे अंदर लंबाई का जीन है ना, हम लंबे हैं इसलिए हमारे अंदर लंबाई का जीन है और किसी कारणवश उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, उस जीन में कोई परिवर्तन हो जाए, ऐसी स्थिति में वो जीन या तो एंजाइम कम बनाएगा या तो एंजाइम बनाएगा नहीं, जो कि यहां पर हमने लिखा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे पहले केस में यानी कि एंजाइम जो है हमारा वो सामान्य हो सकता है, मतलब जो हमारा जीन है वो सामान्य एंजाइम को रिलीज कर सकता है या फिर कुछ कम प्रभावी जीन को रिलीज कर सकता है, दोनों केस कर सकते हैं। जब कुछ कम प्रभावी जीन को ये रिलीज करेगा तो इंसान जो है लंबा में भी हो सकता है, अगर सामान्य रिलीज किया तो इंसान लंबा होगा तय है, ठीक है। और अगर कुछ कम प्रभावी जीन को यानी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गई उस जीन में और उस एंजाइम को उसने क्या किया, रिलीज किया, तो हो सकता है लंबाई थोड़ी सी कम हो लेकिन लंबा होगा इंसान। नहीं, पहले वाले केस में ये प्रभावी को दर्शा रहा है, यानी प्रभावी है, यानी कोई जीन है और काम कर रहा है तो प्रभावी है, सिंपल सा मतलब है, सीधा सा मतलब समझिए कि प्रभाविता की संकल्पना का स्पष्टीकरण में अगर कोई जीन एंजाइम बना के काम कर रहा है तो वो प्रभावी है। चलो पहला केस तो निपट गया। इन द सेकेंड केस में हो गया कि अगर कोई जीन है, सपोज दैट कि ये लंबाई का जीन था, ये लंबाई का जीन था और इसमें कहीं पर एक जगह पर क्या हुआ, बदलाव आ गया, एक जगह पर बदलाव आ गया और यह जीन जो है क्या बना रहा है, एक एंजाइम बना रहा है ना। पहले समझ लीजिए, यह जीन है, यह एक एंजाइम बना रहा है और एंजाइम जब बना रहा है तो वो लक्षण प्रदर्शित हो रहा, मतलब वो प्रभावी है। लेकिन इन द केस उसमें क्या हुआ कि कहीं पर बदलाव, उसके कोडॉन में कहीं पर बदलाव आ गया, ऐसी स्थिति में भी हो सकता है कि यह एंजाइम कम बनाए, क्या करेगा, एंजाइम कम बनाएगा या ऐसा एंजाइम बनाए कि जो कार्यशील ना हो, काम ही ना करे, एंजाइम बने लेकिन वो काम ही ना करे। जैसे लंबाई का जीन है वो एंजाइम बना रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो एंजाइम किसी काम का नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या वो व्यक्ति लंबा होगा, नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या बताया, एक जीन है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइम बना रहा है और इंसान क्या हो रहा है, वहां पर लंबाई का जीन है तो वो इंसान लंबा भी हो रहा है। बट अगर जीन में कहीं पर प्रॉब्लम हो जा रही है और ये एंजाइम बना तो रहा है, एंजाइम बना तो रहा है लेकिन वह एंजाइम किसी कार्य का नहीं है, जब किसी कार्य का नहीं है तो क्या इंसान लंबा होगा, जब काम ही नहीं कर रहा है एंजाइम तो लंबा कैसे होगा, बताइए। तो दूसरा केस भी निपट गया। तीसरे केस की बात करें, तीसरे केस में क्या है, एंजाइम पूर्णता अनुपस्थित हो जाए, मतलब कि इस जीन में कोई और भी ऐसा बदलाव हो जाए कि एंजाइम पूर्ण रूप से क्या होता है, खत्म हो जाए, मतलब कि न बने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या लंबाई का जीन या कोई व्यक्ति लंबा होगा, नहीं हो सकता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने क्या बताया कि प्रभाविता की संकल्पना के स्पष्टीकरण में अगर कोई जीन है और वो एंजाइम बना रहा है जिसके कारण वो व्यक्ति लंबा हो रहा है, ठीक, पहले केस में एंजाइम बनेगा तो लंबा होगा व्यक्ति, लेकिन दूसरे केस में ये कह रहा है कि अगर जीन में कोई परिवर्तन हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में वो एंजाइम तो बना रहा है जीन लेकिन वो काम नहीं कर रहा है तो क्या व्यक्ति लंबा होगा, जब एंजाइम काम ही नहीं कर रहा तो व्यक्ति कैसे लंबा होगा, बताइए, नहीं होगा। सेकेंड केस में क्या है, एंजाइम पूर्णता अनुपस्थित हो सकता है, अगर और बदलाव हो गया जीन में तो एंजाइम हो सकता है बने ही ना, अगर जब एंजाइम नहीं बनेगा तो इंसान बौना होना तय है, उसी प्रकार से सफेद होगा, लाल पुष्प या सफेद पुष्प का यही रूल है यहां पर फॉलो हो रहा है। इस प्रोसेस को हम यहां समझाए हैं, जैसे एक जीन है वो एंजाइम बना रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वो प्रभावित कर रहा है। सपोज दैट ये कैपिटल टी का जीन है और कैपिटल टी के जीन में क्या हो रहा है, ये जीन है और ये एंजाइम बनाया और उसके बाद जो हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और ये प्रभाव डाल दिया, लेकिन जीन में कहीं पर बदलाव गया, यानी इसी कैपिटल टी के जीन में कहीं पर बदलाव आ गया, ये जीन कम प्रभावी जीन को बना रहा है और सबस्ट्रेट भी क्या हो रहा है, बहुत ही कम उत्पाद बना रहा है, बहुत ही कम प्रभाव डाल रहा है, बहुत ही कम प्रभाव डाल रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, अपूर्व प्रभाविता का ये चेन जो है अपूर्व प्रभाविता की हुई कि नहीं हुई, सफेद वाला बहुत ही कम प्रभाव कर रहा है ना। थर्ड केस में इसमें कई जगह बदलाव हो गए और एंजाइम ही नहीं बनाया वो, है ना,
है ना। थर्ड केस में क्या हुआ, एंजाइम ही नहीं बनाया तो क्या उत्पाद बनेगा, जब उत्पादक ही नहीं बनेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पूर्ण रूप से कोई जीन प्रभावी हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, जैसे सपोज है एक महिला है उसमें बौनेपन का जीन है, एक पुरुष है उसमें लंबेपन का जीन है, जीन तो दोनों में है, लेंथ का जीन दोनों में है, बट जो फीमेल के अंदर का जीन है वो कार्य नहीं कर रहा है, मतलब हो सकता है एंजाइम ही नहीं बना रहा हो इसलिए वो महिला बौनी हो गई, जीन है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसलिए वो व्यक्ति क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मेल का जीन होगा वो फीमेल के जीन पर क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। और यही है क्या, यही रोल ही क्या करता है, प्रभाविता की संकल्पना का स्पष्टीकरण कर रहा है कि प्रभावी जीन किस प्रकार से कार्य करता है ना। प्रभावी जीन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, प्रभावी जीन जो है जब अप्रभावी जीन जो है कोई काम नहीं कर रहा है या एंजाइम नहीं बना रहा है या एंजाइम की अनुपस्थिति हो जा रही है, ऐसी स्थिति में जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीन को क्या कर रहा है, दबा दे रहा है। मतलब जब ये काम नहीं कर रहा तो ऑलरेडी इसको प्रेजेंट होना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को, फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, तीन बार समझाए हैं और तीन तरीके से समझाए हैं, जो आपको पसंद आए उस हिसाब से आप समझ लीजिए इसको। ये हेडिंग एग्जाम में अब तक तो नहीं आई है लेकिन आ सकती है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और याद क्या रखना है आप लोगों को, बस यही करना है, बस जो हम बताए उसी प्रकार से आप समझ गए हैं उसी प्रकार से लिख लीजिए। तो आज की क्लास यही तक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आला फी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन देना भूल गए थे हम, है ना, आप लोग तो बका दे रहे थे। चलिए आप हमको क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप बताएंगे हमको बताइए पॉलीएम्ब्रियोनी किस फ्रूट्स में होते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी किस फ्रूट्स में होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप बताएंगे हमको सजात पुष्पी परागण का मतलब क्या होता है, सजात पुष्पी परागण का मतलब क्या होता है। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कि प्लाटिन जो प्लासेंटा है उससे निकलने वाले दो एंजाइम का नाम हमको बताएंगे आप लोग, प्लासेंटा से निकलने वाले दो एंजाइम का नाम। ये तीन क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप कमेंट सबका देखते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देते हैं, जैसे अलका राय, आराधना यादव, प्रिया सरोज और कुमकुम और सृष्टि यादव और सिद्धार्थ और उसके बाद ज्योति और फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आई थिंक अगर एक दो लोगों का नाम हम कोई बरन वाल करके है और साली मध्यशिया, ठीक है, और इस प्रकार से ये सारे स्टूडेंट जो है आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप भी दिया करिए, जो भी लोग देखते हैं अगर समझ में आता है तो प्लीज दिया करिए आंसर। और आगे हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।